भटवलिया पंचायत में किसानों की मदद के लिए सामने आए भाजपा मंडल महामंत्री अशोक यादव ने जेसीबी लगाकर चवर के बांध को मजबूत कराया। आपको बता दें कि हर साल इस पंचायत में किसानों का हजारों बीघे की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो जाती है। दो फसल क्षति हो गया है, एक धान का एक गेहूँ का। लोग गए थे मुखिया के पास, मुखिया जी बोले कि ठीक है कल आके देख लेंगे, लेकिन आए कि नहीं आए वो तो हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन हम मेरा उद्देश्य यही था कि जब मुखिया जी बोले हैं तो करवा देंगे, मनरेगा से होगा पैसा तो करवाएंगे तो ठीक है, नहीं भी करवाएंगे तो ठीक है। तो हमसे फिर आए ये लोग आके बोले कि वो नहीं आए, तो अब बारिश हो रहा है, अब डूबेगा तो फिर हम लोग बिया बाल डूब जाएगा, फिर से धान नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा। ये बांध चल के आता है नूरदीनपुर के उत्तर से, खिदरा चौक से आता है, तो खिदरा चौक से चल के आता है, तो ये बांध लंबा है। रह गया बात कि जब ये बांध डूबता है तो चार पांच गांव के जो धक्का मारता है, बंजरिया है, नूरदीनपुर है, बरहनी के टोला है, बरहनी तक पानी जाके धक्का मारता है। जब पानी आता है तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो बांध डूब जाने से, टूट जाने से, जर्जर हो जाने से बहुत क्षति होता है किसान को। मतलब कितने उपजाऊ भूमि का जो फसल है वो बर्बाद होता है? कम से कम इसमें 3000 बीघा जमीन है, इसमें 3000 बीघा के जो फसल है जो क्षति हो जाता है, इसका कोई लाभ किसान को नहीं मिल पाता है। करने को मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं किसान, लेकिन एक पैसा कोई लाभ नहीं होता है। पिछला बैंक से देख लिया जाए इसमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन रहा बात कि ये लोग हमसे बोले कि देखिए फिर इस बार भी धान नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा, तो हम अपना जेसीबी मंगाए, बोले कि हम तो किसी के पास नहीं ना जाएंगे, हम अपना पैसा लगा करके इसको बनवाने का काम किए हैं। अब रहा बात कि कब इसमें विकास के, इस पंचायत में कब विकास के ये होता है, आम सभा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर होता है, कुछ लोग कहते हैं कि पंचायत भवन पर होता है, लेकिन होता कहाँ है अब तो वार्ड लोग जाने, इसको लिख के देते हैं कि ना देते हैं ये वार्ड लोग जाने, लेकिन विकास तो होना चाहिए भैया। कि मनरेगा का पैसा आखिर आया तो गया कहाँ? मनरेगा का पैसा तो कम से कम इसमें लगना चाहिए ना जी। लंबा बांध है, बांध से क्षति है, आधा पंचायत का जो जजाद है, फसल है, किसान परस्त हो जा रहे हैं, ये तो देखना चाहिए ना उनको, जो भी प्रतिनिधि है उनको देखना चाहिए पैसा गया कहाँ। सिर्फ पेपर में मनरेगा का पैसा खर्चा होता है कि कहीं धरातल पर होना चाहिए, ऐसा ऐसा चीज़ को नहीं होना चाहिए। 3000-4000 बीघा जहाँ मान लीजिए कि फसल जो बर्बाद हो रहा है, चार पांच गांव के फसल जो बर्बाद हो रहा है, उसमें नहीं खर्चा होगा तो कहाँ खर्चा होगा? ये पैसा कहाँ गया भाई? इसमें तो होना चाहिए ना जी, ये तो दे तो बनता है ना उनको। किसान को सारे नेता लोग बोलते हैं किसान को देखते हुए रहना है, चलना है, तो कैसे अब भाई क्या हो रहा है? विकास कहाँ गया? सिर्फ कहने के लिए विकास है इनका? मनरेगा का पैसा हम पूछ रहे हैं, मनरेगा का पैसा हुआ क्या कि इतना लंबा जो चार पांच गांव का क्षति हो रहा है? अब बारिश आएगा जब ढुकेगा पानी ना, तो निकलने का रास्ता भी नहीं है, तो बहुत नुकसान है। बिया डूब गया, हम लोगों को धान भी नहीं हुआ, गेहूँ भी नहीं हुआ है। और मुखिया जी तो जब से जीत के गए तो से इधर दोबारा अबे नहीं किए, क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आप लोग उनसे गए थे, बात किए थे? बात किए थे, साथ में हम लोग गए थे, क्या गए और चले आए, अबे नहीं किए, इधर आते ही नहीं है, तो जब से लॉकडाउन हुआ तो कभी इधर आए हैं, अबे नहीं किए। कितना बीघा आप लोग का खेत फसल बर्बाद होता है हर साल? मान लीजिए अब नूरदीपुर, बंजरिया और बरहनी हैं, बरहनी के टोला, मयूरी टोला, ये 3-4 गांव का फसल मान लीजिए कम से कम 3000 बीघा, 3500 का मान के चलिए, इतना नुकसानदायक है। अब क्या लगता है कि बांध बनवाने से कुछ लाभ मिलेगा? कुछ तो लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक बिया बचा हुआ है, बारिश भी अभी नहीं हुआ है, और बारिश होगा तो डूबेगा कि क्या होगा अब तो भगवान जाने।